हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज कैसे सिलते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले मैंने पेपर की कटिंग जो की थी उसको कपड़े के ऊपर रखना कैसे रखना है ये मैंने आपको सिखाया था। अब इसकी स्टिचिंग भी देखते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, कटोरी का टक्स पॉइंट ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद ये कटोरी के साइड का पार्ट ज्वाइन करना है, और फिर ये यहाँ पर हमारी ये क्रॉस पट्टी जो है वो ज्वाइन करनी है। तो यहाँ पर हमें कैसे ज्वाइन करना है और कितना लेना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमारे ये कटोरी का पार्ट है। पहले हमें कटोरी का पार्ट लेना पड़ता है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डेढ़ इंच पे एक मार्किंग करनी है। डेढ़ इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमारे ये टक्स पॉइंट डेढ़ इंच पे आता है। चौड़ाई जो है वो डेढ़ इंच की आएगी और लंबाई जो है वो हमारे तीन इंच की आएगी। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से ये टक्स पॉइंट आएगा। तो पहले हम टक्स लगाते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हमने ये दोनों जो फ्रंट साइड है वो मैंने आपको स्टिच करके दिखाई है। कटोरी का टक्स कैसे देना है, कटोरी साइड पार्ट कैसे ज्वाइन करनी है, ये क्रॉस पट्टी जो है वो कैसे ज्वाइन करनी है, तो ये दोनों फ्रंट पार्ट जो है वो कैसे सिलना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको हुक और आई की पट्टी कैसे लगाते हैं, पाइपिंग कैसे लगानी है वो पूरा सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो देखने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।